नमस्कार दोस्तों दोस्तों, ये आप जो कॉइन देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आज बताना चाहूँगा कि एंटी कॉइन होते क्या हैं। काफ़ी लोग जानते नहीं कि एंटी कॉइन क्या होते हैं, एंटिक और हिस्टोरिकल। तो दोस्तों, जो कॉइन हमारे 100 साल से पहले के हो जाते हैं, जो 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, वो सारे ही कॉइन जो हैं एंटिक होते हैं। जैसे आपके पास 1947 का पड़ा है, आपके पास 1800 ईस्वी का पड़ा है, ये सारे होते हैं पुराने कॉइन, तो इनको एंटिक कहते हैं। और हिस्टोरिकल कॉइन क्या होते हैं? हिस्टोरिकल कॉइन जो होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये इसमें फ़ोटो दिख रही है, दूसरे के ऊपर दिख रहा है आपको, और एक पर योगा का बना हुआ है, ये 2 रुपये का है दिख रहे हैं आप, और ये आपको अशोक चक्र दिख रहा है, साथ में आपको ये दिख रहा है शिप। तो दोस्तों, ये हिस्टोरिकल है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चिन्ह होता है। ये तभी बने बनाए जाते हैं जब कोई कुछ होता है, जैसे किसी चीज़ की जयंती आती है तो होते हैं। या कोई दिवस होता है, ये इनकी क्वांटिटी कुछ ही मात्रा में निकाली जाती है। और ऐसे कॉइन जो होते हैं, ये महंगे होते हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी ऐसे कॉइन जो होते हैं पसंद करते हैं। काफ़ी लोगों का शौक होता है कि वो अपने घरों में ऐसे म्यूजियम में रखते हैं, तो वो लोग खरीद लेते हैं। ये नहीं कि इनकी कीमत लाखों रुपए में, हो सकता है आपसे मुंह मांगी कीमत भी आपको मिल जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसे कॉइन है तो संभाल कर रखें और उनको वक्त आने पर बेचें। बेचना चाहते हो तो आप eBay.com पर बेचें या clickindia.com पर रजिस्टर करके बेचें, वहाँ पर बिकते हैं। साथ में आपको और एक बात बताऊँ दोस्तों, ये कॉइन जो है 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है। तो अभी मेरे पास यही है, और भी हैं तो मैं आपको किसी और वीडियो में बनाकर बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बता जो बात बताने वाला था, दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कॉइन पड़े और मैं लखपति बन गया, करोड़पति, तो वो सबसे बेवकूफ़ लोग हैं। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो लोग आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, वो चीज़ें ऐसे वीडियो देखते हैं, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं, इनकी कीमत लाखों में है, 10 लाख में बिकते हैं, 20 लाख में बिक रहा है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उनको चैनल पर पब्लिसिटी चाहिए, उनको सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो इसलिए बनाते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप लोग अपना काम धंधा ना छोड़ें, काम करते रहें और अपने पास जो भी कॉइन है उनको संभाल कर रखें। आप वेबसाइट में रजिस्टर कर दो, हो सकता है आपके वेबसाइट पर वो बिक जाते हैं, तो आपको वो फ़ोन करेंगे, नहीं बिकेंगे तो कोई बात नहीं, आप वैसे तो बेकार नहीं होंगे। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, कोई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर एक उसकी सोच समझ में, जैसे हमारी सोच है, सोच की वजह से हम बात तक पहुँचते हैं। रीजन क्या है कि जब भी हम किस चीज़ के बारे में सोच लें, मान लो कि मेरे पास एक कॉइन है, मैं मान लूँ कि मेरे पास तो 4-5 कॉइन हो गए तो मैं तो लखपति हो गया, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि हो सकता है बिके ही ना वो, तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और बेकार में मैंने आस लगा रखी है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों पर आस बिल्कुल ना लगाएं, और जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान ना दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ऐसे कॉइनर हैं तो संभाल कर रखें, और साथ ही उनको वक्त आने पर कहीं भी आप बेच सकते हैं तो बिक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है इस वीडियोज़ में मैंने जो जानकारी दी थी वो सही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।